जैसा कि आप अवगत हैं कि इस समय भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार दोनों ही SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बहुत जागरूक हैं और चाहते हैं कि हमारा जो मिशन है और मिशन मोड में हम लोग काम भी कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर से पहले हम सारा ODF कर दें, सारे वार्ड ODF कर दें, लोगों को स्वच्छ वातावरण में जीने का मौका दें। इसी क्रम में सरकार शौचालय बनाने के लिए पात्र व्यक्तियों को धनराशि उपलब्ध करा रही है, जिसमें प्रथम किस्त में 4,000 रुपये और द्वितीय किस्त में 4,000 रुपये, कुल 8,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और जो प्रथम किस्त दिए गए हैं उसमें गड्ढा नहीं खोदा है और उन्होंने उसका दुरुपयोग कर लिया है। इस संबंध में मेरे ही द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो भी उपभोक्ता इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं शासकीय धन का, उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करते हुए या वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कराएं और उनसे उन पैसे की वापसी कराएं, ताकि अन्य पात्र व्यक्तियों को भी उस पैसे की धनराशि उपलब्ध करा के उनके शौचालय बनवाया जा सके। सर, कुल कितने शौचालयों के ऊपर? अभी संख्या पूरी पता नहीं है मैंने, चूँकि मेरे पास 13 नगर पालिकाएँ नगर पंचायतें हैं, सभी को मेरे निर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं 38 कि अभी फिलहाल हमारे पास जो संख्या आई है वो 38 शौचालय की आई है, जिसमें लाभार्थी द्वारा इसका अभी तक जो पैसा दिया गया था उसका उपयोग नहीं किया गया है। तो ये संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि उसने उस पैसे का उपयोग किसी अन्य कार्य में कर लिया जो वैधानिक रूप से सही नहीं है। जी, अच्छा वो क्या हुआ डिग्री का?